वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसटी ग्रैंड में। यहाँ पे दोस्तों चर्चा करने वाले सोनी पल चैनल्स के बारे में, जिसपे ओरिजिनल शो है वो 8 से 9 ओरिजिनल शो है, जिनमें से एक शो ऐसा है जो कि मतलब अदर लैंग्वेज का, उसमें हिंदी में उनकी रिमेक किया गया है, वो भी सोनी पल पर देखने को मिला था सबसे पहले। तो दोस्तों सबसे पहले देखने वाले शो कौन से सोनी पल पर, जो कि 10 शो है वो देखने को मिले थे, जिनमें से 9 शो तो सोनी पल के खुद के थे। उसके बाद से मतलब एक और शो है उसको हिंदी में रिमेक करके सोनी पल पर टेलीकास्ट किया गया था। उन सभी की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। कौन कौन से शो है वो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। उससे पहले देखिए दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि हमारे चैनल का नोटिफिकेशन है वो आपको आगे भी लगातार है वो मिलते रहे। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सोनी पल चैनल से कब से लॉन्च हुआ था। तो दोस्तों सोनी पल चैनल लॉन्च हुआ था 1 सितंबर को शाम को 7:30 बजे 2014 में, 1 सितंबर 2014 में लॉन्च हुआ था, जिसपे आपको यानी कि 6 नए कार्यक्रम देखने को मिले थे, जिनमें से यहाँ पे देख लीजिए कार्यक्रम का नाम, जिसमें से पहला कार्यक्रम है तुम साथ हो जब अपनी, इन्होंने पूरे 100 एपिसोड है वो सोनी पल पर दिखाए थे। उसके बाद एक रिश्ता ऐसा भी, उनकी टोटली एपिसोड 133 एपिसोड है वो हमें सोनी पल पर देखने को मिले थे। यानी कि ये दो शो ऐसे थे जो कि सोनी पल सबसे ज़्यादा चलने वाले शो थे, जो कि एक ने सेंचुरी मारी, एक ने सेंचुरी से भी ऊपर पार कर दिया। उसके बाद जो अगला शो है हुआ पिया बसंती रे, ये शो भी काफ़ी अच्छा रहा था, बट यहाँ पे ये 88 एपिसोड पे ही कंप्लीट कर दिया गया था। उसी मतलब अगला शो है खुशियों की गुल्लक, इनके 83 एपिसोड है वो कंप्लीट हुए थे, जो कि सोनी पल के खुद के शो है। अगर आप इसका फुल वॉच करना चाहते हैं तो इनके यूट्यूब चैनल पे जाकर वॉच कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर इनको प्लेलिस्ट सबसे पहले मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सिंपली बात है, ये आपको सिर्फ रविवार को देखने को मिलता था सोनी पल पर, जो कि 12 एपिसोड है वो कंप्लीट हुए थे। काफ़ी ज़्यादा एपिसोड है 12, क्योंकि हर रविवार को देखने को मिलता है, इसका मतलब काफ़ी दिन तक ये शो है वो टेलीकास्ट हुआ था। उसके बाद हमारी सिस्टर दीदी, जिसके 133 एपिसोड थे और काफ़ी पॉपुलर शो ये रहने वाला था हमारी सिस्टर दीदी। उसके बाद से एक और नया शो आया था जिसका नाम है दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, ये भी काफ़ी अच्छा शो रहा था सोनी पल का। उसके बाद जो अगला शो आया था ये दिल सुन रहा है, ये भी काफ़ी अच्छा था। कुल मिला के सोनी पल ने अपने 8 शो इस प्रकार से लॉन्च किए थे। उसके बाद काफ़ी दिन बाद यहाँ पे जोसेफ टीवी के प्रोग्राम वो चलाए गए थे, उसके बाद से एक नया शो लाया था जिसका नाम था मंजरी, ये भी सोनी पल खुद का शो है, जो कि इसके फुल एपिसोड है वो आप सोनी पल पर नहीं देख पाओगे, सोनी लीव पर देख पाओगे, बट ये अदरवाइज जो भी 8 नए प्रोग्राम के नाम बताए थे उनके एपिसोड है वो आप सोनी पल पर भी वॉच कर सकते हैं, फुल एपिसोड देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो अदर लैंग्वेज था उसको हिंदी में रिमेक किया गया था, जिसका नाम है गोपाल बार। जी हाँ दोस्तों, गोपाल बार हमें सोनी पल पर देखने को मिलता था, जो कि सोनी अर्थ चैनल का शो था, और ये हमें हिंदी में देखने को मिला था सोनी पल पर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है मेरे चैनल पर, तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो कर दीजिएगा लाइक।